तो इस इंटीग्रेशन को देखिए कैसे हैंडल करते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, फाइनली इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाइए, मतलब उसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर दीजिए, जिससे आपको सिंगल हर स्टेप का या हर पार्ट का आपको फॉर्मूला पता हो, है ना, वहाँ तक हमें पहुँचाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, पहले अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन, और प्लस वन यहाँ से कॉमन कर लेते हैं दूसरे वाले टर्म से, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है, होल अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये स्प्लिट हो गया, एक तरह से फैक्टराइज हो गया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस वन, ठीक, अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन आपका कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स, मतलब जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया था वो है क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स डी एक्स है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और दूसरा आपका कांस्टेंट टर्म है, लेकिन दो फंक्शन है, लेकिन आपके पास साथ में ये भी पता है कि इंटीग्रेशन जो आपका होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, मतलब अगर फंक्शन के का सम है तो आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, सम या डिफरेंस कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीज़न नहीं होना चाहिए। खैर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए ये स्ट्रक्चर आपका आ चुका है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे या यहाँ तक कोशिश कर रहे थे कि इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँच जाए, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, ये सारा जो आपने एल्जेब्रिक मेथड अपनाया है उसके बाद ये जो बचा आपका फाइनल स्टेप आया यहाँ पे, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला प्लेस कर सकते हो एक्स की पावर एन का, ठीक है, और ये वन तो आपका एक्स इसका इंटीग्रेशन होता ही है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर सकते हो, मतलब ये स्टेप आपके डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में है, यहीं तक आपको पहुँचना होता है। खैर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर टू प्लस वन मतलब थ्री अपॉन थ्री प्लस क्या हो जाएगा आपका वन का एक्स हो जाएगा, साथ में ये एक इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।